देखा तो ये जाना सन। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सब बढ़िया है ना? तो दोस्तों कमेंट करके बताओ फटाफट कि आप सब कैसे हो। नहीं अच्छे हो तो आप बहुत अच्छे से ख्याल रखो अपना, बहुत बढ़िया से। और आज जो है ना, मतलब 13 जनवरी है, तो हम उठे सुबह तो हम सोचे कि आज जो है ना आपको वाइब्स दिखाते। वैसे हम वाइब्स ही दिखाया करते हैं अपने चैनल पे। तो देखो पीछे वाला वाइब्स देखो, एकदम कोहरा कोहरा। हमारा गांव जो है ना एकदम कश्मीर वाली वाइब दे रहा है इस टाइम में। आज 13 जनवरी है, ये तो पता है कि इतना बढ़िया ठंड होता है जनवरी में। तो कोहरा देखो भाई, ये वाइब्स देखो। काफ़ी दिन हो गए आपसे तो मिलाने, डेली ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे। आप भी पूछ रहे थे डेली ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। मैं आपको बताऊँ ना, इस टाइम में पता नहीं मुझे जो मेरा ब्रेन जो है ना पूरा स्टक हो गया है, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मतलब भी बैठा रहता हूँ तो जस्ट आई सिटिंग, मतलब कहो घंटों बैठा रहूँ, मतलब ऐसा ही कुछ रहता है। बट फिर भी देखते हैं कि लाइफ को थोड़ा सा देखते हैं कि बहुत तरीके से लाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो है ना। मैंने अभी रिसेंटली सोचा कि लखनऊ की जितनी भी बढ़िया प्लेसेस हैं, जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि बहुत सारी प्लेसेस हैं, तो उनको कवर करेंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे कोशिश करते हैं कि अभी तो आप इधर का एंजॉयमेंट देखिए, पीछे का फॉग हो रखा है, एकदम एक अलग ही वाइब आ रही है भाई। अगर जो आप इधर को होते ना, मतलब मेरे साथ में, तो यहाँ पे तो बहुत मज़ा आने वाला था आपको। बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत मज़ेदार। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज आपको दिखाते फ़िलहाल अपना दिन कैसा रहता है। वैसे आज जो मेरे अभिषेक भैया है ना, बड़े भाई, तो उनके यहाँ रामायण है, तो वहाँ पे भी जाना है। वैसे मैं आपको बताऊँ ना, भैया का भी 16 तारीख को तिलक भी है और उसके बाद शादी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे शादी और तिलक, कोशिश करेंगे। ओके देखते हैं कि अभी तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर। वैसे 7:30 बज गए हैं लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। देख रहे हो एकदम फॉगी हो रखा है, एकदम तगड़ी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे कहाँ से कुल्हड़ वाली चाय हो और एक अलग ही वाइब आएगी, तब तो मतलब जन्नत हो जाएगा एकदम। तो अभी तो ऐसे नॉर्मल है, तो तब जन्नत बन जाई। तो अभी देखो दिखाते हैं आज अपना दिन कैसा रहता है, आंसू से मिलाते हो सबसे। ओके बहुत बढ़िया सी मेमोरीज कवर करते हैं, आप रेडी रहो, देखो और इन्जॉय करो। मैंने चांद की तरह खड़ा किया है हमेशा। मेरा फेवरेट सॉन्ग इस टाइम में पाकिस्तानी सीरियल का एक है मैं, वो बहुत बढ़िया लगता है। और इस टाइम में पता खुदा मोहब्बत सॉन्ग सुनोगे तो आपको अलग ही वाइब आएगी, आप मोहब्बत में चले जाओगे। बहुत तगड़ा है भाई, बहुत। ये पीछे खेत है गेहूं के और ये फॉग पीछे का देखो, मतलब अलग वाइब आ रही है रियली। मैं अपनी हैप्पीनेस को बता नहीं सकता तुमसे कि कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। एक सुकून जिसे बोलते हैं ना, सुकून वाली वाइब आ रही भाई यहाँ पे। घर और घर पे थोड़ा सा भी काम है 11 बजे तक, फिर उसके बाद मैं बताऊँ ना 12 बजे फिर भैया के यहाँ जाएंगे। और आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, अपनी बहुत बढ़िया सी मेमोरीज कवर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। पीछे आज का दिन जो है ना सुबह वाकई बहुत अच्छा रहा, देखो ना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे भी देखते हैं कि डायग्राम बना लेते हैं बायोलॉजी के, आंसू का देखते हैं, बायोलॉजी का डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं, अभी मिलते हैं। मेरे पिछले साल का ये प्रैक्टिकल फाइल है और ये देखो डायग्राम, तो इधर पॉलन जर्मिनेशन का डायग्राम बना रहे हैं, तो देखते हैं डायग्राम बनाते। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैं आपको बताऊँ ना, मतलब अभी तो ये पिछले साल मैंने डायग्राम बनाए थे बायोलॉजी के, और अब देखते हैं कि बना के देखते हैं कैसा होता है। वैसे बन रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। कटाते हैं, बड़े हो गए हैं। तो है
प्रिंस भाई बाहर कटवा रहा अपना, देखो जाओगे तक खुश। हमारे बाल देखो, आंसू के आंसू मुझे कैप लगा लिया। देखो ठंडी बहुत हो रही है, भौकाल ना मारो। टोपी लगा लो आराम से। कहते हैं कि अब नहा लेते हैं क्योंकि धूप भी बढ़िया सा आ गया है, कोई उम्मीद नहीं था, आ गया, खैर नहाते हैं। सो गाइस, उधर घर से नहा कर आ गए इधर बंगला कॉलेज, इधर एक बहुत अच्छी सी धूप है तो आंसू को इंतज़ार कर रहे हैं। देखो आंसू आए फिर भैया के घर जाए। तो आंसू ना भाई, तो चलते हैं जमाए पढ़ने। देख रहे भाई व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है इधर ना, आंसू से आंसू को देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। ये भाई बिगाड़ ही गया, फिर तक खिचक रही है। हाँ फिर तक खिचक का जरूरत है, इसे है भी खिच गई है। हाँ प्यारो बात कीजिए, हाँ प्यारो बस बाकी बाकी नहीं। हम लोग पैदल पैदल भैया के घर जा रहे हैं रामायण के लिए। तो आंसू गाना सुनो, बाकी सब ठीक, चलते रहो और गाना सुनते रहो। चार दशक बन गया, चार दशक रामायण जमाल पढ़ना। मैगो हाय हाय, गुस्सा देखो इनका एटीट्यूड है। इस भैया के यहाँ तो पहुँच गए और यहाँ पे रामायण तो पढ़ना आता नहीं ढंग से। आंसू पढ़े नहीं आवत यार, संस्कृत माने रामायण अगर बड़ंगा। नहीं सीबीएसई वालों का यही फॉल्ट है, सीबीएसई वाले भाई इंग्लिश ही पढ़ पाते हैं बस, अंग्रेजी दादा भी चेप दी पूरी। बस वही मसला है, लेकिन देखते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, दो तीन बार पढ़े हैं। हिंदी वाले नहीं पढ़ पाते भाई, कमजोरी है, कमजोरी थोड़ी सी है, देखते हैं। ये रामायण हिंदी में ट्रांसलेट कराओ। हाँ वह है तो यार, इसमें एक तो कुछ वर्ड इतने खतरनाक संस्कृत के होते हैं, ये केवल बेटेवा और कुछ महान व्यक्ति पढ़ते हैं, जैसे भैया लोग पढ़ रहे हैं। हमारे बाप भी नहीं पढ़ पाए। और हम तुमको बताएं संस्कृत का अपना रिकॉर्ड, 7th क्लास में हमेशा फेल होते थे संस्कृत में, 8th क्लास में एक बार पास हुए थे। नहीं भाई हमारा नंबर हमेशा अच्छा होता है। नहीं संस्कृत में हम संस्कृत में टॉप जरूर करे, मतलब कि क्लास में टॉप करे थे, लेकिन संस्कृत में फेल रहे। नहीं भाई रटन तो विद्या बहुत अच्छी आवत है संस्कृत में। वही तो संस्कृत मतलब बड़ा पहले अटता पटता हमको याद है। चलो देखते हैं। पढ़ाई नहीं आओ दीसा पढ़ी नहीं देखो। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति देहु बारे। प्रवासी नगर की जय सब का जाय, जय राखी कौशल पुर रावई। आनंद संतु बिलो बिनो लम सकल विपरि परिचिता होली। जय मंगल बल काज बिचारा, वेदय नाथ सब का जा, हृदय राखी कौशल पुर रानी। संकट सोच बिबस भई रानी, बहुरी समुजती धर्म सयानी, सुत समझानी। गाइस पूरा दिन तो खत्म हो गया और आज जो है ना मैंने बहुत दिन बाद गाइस रियली मतलब बहुत दिन बाद मैंने रामायण पढ़ा। वाकई मतलब कि उसमें कुछ संस्कृत शब्द होते वो बहुत कठिन खतरनाक थे, बहुत कठिन, तो वो वैसे उनको पढ़ लिया कैसे ना कैसे मिला मिला करके, लेकिन बहुत अच्छा लगा आज कि मैंने बहुत दिन बाद मुझे रामायण पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत अच्छा लगा।
रामायण पढ़कर कुछ नया सीखा, कुछ नई चीज़ें देखी वहाँ पर। तो देखते हैं कि वैसे दिन तो ख़त्म हो गया, 9:30 बज गए और भैया के घर से तो आ गए अपने घर। तो देखते हैं कि अब सो जाते, बहुत जाड़ा हो रहा है। ओके, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखो। ओके, ख्याल रखो, गुड नाइट।